हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम कुछ नया सीखेंगे, अम्ब्रेला लहंगा कटिंग और स्टिचिंग। ये जो आप साड़ी देख रहे हैं, हम इस साड़ी से आज लहंगा बनाने वाले हैं। तो चलिए लहंगा बनाना शुरू करते हैं। साड़ी को पहले खोल देते हैं और लगभग 3 मीटर साड़ी हम अलग से कट कर लेते हैं और उसकी बॉर्डर इसे हम कट कर लेंगे। कंप्लीट 3 मीटर कपड़े की बॉर्डर हम यहाँ पर कट करने वाले हैं। बाकी कपड़ा हम यहाँ पे सीधी साइड डबल फोल्ड कर लेंगे। इस पूरे कपड़े की जो डबल फोल्डेड साइड होती है, उसे हमें दूसरे साइड तक के ले जाना पड़ता है। देखो, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए, इस तरह से फोल्डेड साइड मैं आपको बता रही हूँ। इस साइड को हमें पलट लेना है, जिससे हमारा अम्ब्रेला का घेरा बन जाएगा। अम्ब्रेला लहंगा के लिए ये देखिए, यहाँ पे मेजरमेंट्स दिए हैं। हाइट 38 इंच और कमर 32 इंच। सबसे पहले हम इसकी कमर नाप लेंगे। हमारा कपड़ा यहाँ पे फोर्थ फोल्ड है, इसीलिए हमें 32 इंच को 4 से डिवाइड करके लेना है, जिसका मतलब हुआ 8 इंच। और 8 इंच में हमें 2 इंच मिला लेना है, लेकिन 2 इंच नहीं, उसका भी फोर्थ फोल्ड करना पड़ता है, इसलिए उसका हो गया 1/2 इंच। 8 + 1/2 इंच मतलब 8.5 इंच। तो हम यहाँ पे पहले 8 इंच का ही नाप ले लेंगे, क्योंकि हमारी कमर ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो 8 इंच का नाप ले लेंगे और इस पर मार्किंग कर लेंगे। कमर का पार्ट छोड़ते हुए हम अब लहंगे की लंबाई नापने वाले हैं। लहंगे की लंबाई हमारी 38 इंच है, प्लस 2 इंच 40 इंच। इसी तरह हम 40 इंच की मार्किंग सारे कपड़े पे कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लहंगा बनाने के लिए सिल्क साड़ी का यूज़ किया है। आप यहाँ पे कॉटन, रेयन, नेट कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नेट का फैब्रिक यूज़ करोगे तो आपको उसके लिए अस्तर लगेगा। मार्किंग्स हो गई है, अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फैब्रिक बच रहा है, वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाता। उसका हमें बेल्ट भी बनाना है और एक्स्ट्रा कपड़ा भी लगेगा। हमने कमर का नाप 8.5 इंच का लिया था, लेकिन 8 ही इंच कट किया था, सो हम इसमें अभी 1/2 इंच मिला के ठीक से कट कर लेंगे, ताकि ये हमें पहनने में आसानी जाए। नहीं तो हमारा लहंगा एकदम टाइट हो जाएगा और पहने भी नहीं जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लंबाई में ऊपर का जो कपड़ा है वो कम पड़ गया है, सो हमें इसे पहले कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। जो हमारा थोड़ा सा कपड़ा बच गया था, उसमें से हम इसके लिए कपड़ा निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ पे 1 इंच ऊपर तक के मैंने डबल फोल्ड का कपड़ा इस पर रखा था और इसको मार्किंग्स बना लिए थे, जिससे कि हमें सिलाई में भी कपड़ा कम ना पड़े। इस तरह से हमें इस कपड़े को कट भी कर लेना है। अब बारी आती है सिलाई की। पहले हम इस कपड़े को उल्टा कर लेंगे, उल्टी साइड से इस तरह से जोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। एक बार मैं आपको यहाँ पे सिलाई कैसे लगाते हैं वो बता देती हूँ। पहले हमें उल्टी साइड सिलाई लगा लेनी है, और इसकी सिलाई जल्दी से उधड़े ना, इसीलिए हम इस पर एक और सिलाई लगाने वाले हैं, लेकिन ऊपर की साइड देखिए इस तरह से, जिससे इस पर फिनिशिंग भी आ जाएगी। देखिए, इस तरह की सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से यहाँ पे रखते हुए चेक कर लेंगे। सीधी सिलाई तो हो गई, अब हमें ऊपर के कपड़े को भी इसमें जोड़ लेना है। पहले हम इस पूरे कपड़े को खोल देंगे, सीधा करके रख देंगे। फिर हमें इस सीधा कपड़े पे उल्टा कपड़ा रखना है इस तरह से, और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए, अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए, सीधा लहंगे का कपड़ा, और इस पर ये जो कपड़ा है वो हमने उल्टा रख दिया है। ये सेंटर पॉइंट है, इस पर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो कपड़ा इस तरह से सीधा हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सिलाई लगाते जाना है। देखिए, इस तरह से हम कपड़ा इस पर प्लेस कर लेंगे और एक साइड से दूसरी साइड तक सिलाई लगाते जाएंगे। 1/2 इंच के अंदर ही हमें सिलाई लगानी है, उतना कपड़ा हमें सिलाई के लिए छोड़ ही देना पड़ता है। ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं लहंगा सिलने के लिए, क्योंकि अगर आप उल्टे कपड़े पे सीधा कपड़ा रखेंगे, आपका पूरा काम बिगड़ सकता है। आपको सीधे कपड़े पे ही उल्टा कपड़ा रखना पड़ता है सिलने के लिए। यहाँ पर इसकी सिलाई हो गई है, अब हम इसे सीधा करके देखेंगे। देखिए, ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर ऊपर उठ रहा है, सो ये हमारे लहंगे पर अच्छा नहीं दिखेगा कि हमने अलग से कपड़ा जोड़ लिया है। तो हम इस पर और एक सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि ये कपड़ा अलग ना दिखे। देखिए, सिलाई इस तरह से ऊपर की साइड लगा लेनी है। पूरी सिलाई लग गई है। देखिए, हमारा लहंगा कुछ इस तरह से नज़र आएगा, अलग भी नहीं दिख रहा है और नाप भी इसका सही आ गया। अगर इसके लेयर्स कुछ ऊपर नीचे आ जाए तो इस तरह से उसे कट कर लेंगे।
अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। कमर की विड्थ यहाँ पे हमने 32 इंच ली थी प्लस 2 इंच मतलब 34 इंच। उस हिसाब से हमें बेल्ट की लंबाई 34 इंच और विड्थ हम यहाँ पे 6 इंच ले लेंगे और उस पर 3 इंच जितनी साड़ी की एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर लगा लेंगे। बेल्ट की विड्थ 6 इंच लेते हुए हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इसकी कटाई भी कर लेंगे। बेल्ट पर हम एम्ब्रॉयडरी इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा लहंगा और अच्छा दिखे। अब हम इन दोनों कपड़ों को सीधी साइड अंदर की बाजू में इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने इस तरह से बेल्ट पर सिलाई लगा ली है। अब हम बेल्ट की लंबाई 34 इंच लेकर उसे कट कर लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि वो सिलाई में चले जाता है। अब हम पहले लहंगे के नीचे वाले पार्ट पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दो बार फोल्ड करते हुए हमें लहंगे के नीचे वाले बॉर्डर पर सिलाई लगा लेनी है पूरे बॉर्डर पर। देखिए कुछ इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ गई है। यहाँ पे मैंने लहंगे का कपड़ा उल्टी साइड डबल फोल्ड कर लिया है। कमर के पास का जो पार्ट रहता है उस पर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है या फिर आप यहाँ पे चेन भी लगा सकते हैं। फिलहाल तो हम इसमें नाड़ा ही डालने वाले हैं। देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ पे बेल्ट लगा लेना है इसलिए पहले हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम सीधे बेल्ट पे सीधी एम्ब्रॉयडरी रखते हुए नीचे की साइड सिलाई लगा लेंगे। ये पार्ट लहंगे की सिलाई में जाता है इसलिए हम इसे फोल्ड नहीं करेंगे, लेकिन जो ऊपर की साइड है उसे हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए सी लेना है। देखिए हमारा बेल्ट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमें इस बेल्ट को लहंगे के साथ जोड़ लेना पड़ेगा। देखिए हमने यहाँ पर लहंगे को उल्टा कर लिया था तो हम इसे पहले सीधा कर लेंगे और इस तरह से सीधे कपड़े पे उल्टा बेल्ट रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। बेल्ट की लंबाई और हमारे लहंगे की कमर की लंबाई एक बार हम नाप लेते हैं। परफेक्टली मैच होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट। देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने बेल्ट को यहाँ पे जोड़ दिया है। अब हमें बेल्ट की दूसरी साइड भी इसी तरह से जोड़ लेनी है। पहले हम लहंगे को उल्टा कर लेंगे और ये जो बॉर्डर वाली जो सिलाई वाली साइड है उसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और बेल्ट का जो दूसरा छोर है उसे इस तरह से पहले छोर पे रखते हुए सिलाई लगा लेंगे जिससे कि अंदर की बाजू भी प्लेन लगे। यहाँ पर हमने कंप्लीट बेल्ट को सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरह से अंदर की साइड भी प्लेन लग रही है और बाहर की साइड तो एम्ब्रॉयडरी वाली है ही। अब हम पूरे लहंगे को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और ये जो ऊपर की साइड है बेल्ट वाली जहाँ पे हमने थोड़ी सी सिलाई लगा ली थी वहाँ से होते हुए नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। ये अंदर वाली सीधी साइड है और बाहर से हमें इस तरह उल्टी साइड सिलाई लगाते जाना है। देखिए बहुत ही अच्छा घेरे वाला लहंगा हमारा बनके तैयार है। आप देख सकते हैं एकदम प्लेन सिलाई आई है, बहुत ही खूबसूरत सिल्की शाइनी हमारा लहंगा दिख रहा है। आप भी इसी तरह बहुत ही आसानी से सिंपल स्टेप्स के साथ घर पे ही लहंगा बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप यही स्टेप्स फॉलो कीजिए, इसी तरह आप भी लहंगा बनाना सीख जाएंगे। आशा है आपको मेरा लहंगा बनाने का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।